से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ टेलीफोन पर बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को ओवरवेट श्रेणी में रखा, चीन की रेटिंग घटाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, दिल्ली में भी येलो अलर्ट जारी। पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने चेन्नई में अपने शुरुआती मैच में चीन को 7-2 से पराजित किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय, किदंबी श्रीकांत और पीवी सिंधु आज सिडनी में अपने सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के संदर्भ में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामाफोसा ने इस महीने की 22 से 24 तारीख तक दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया और उन्हें इसकी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति रामाफोसा ने G20 की वर्तमान अध्यक्षता में भारत की पहलों के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और कहा कि वह G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय बाजारों की मजबूत स्थिति को देखते हुए वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि विदेशी पूंजी प्रवाह, वृहद स्थिरता और सकारात्मक आय परिदृश्य के कारण निवेशकों के लिए उभरते बाजारों में भारत शीर्ष पर है और सबसे पसंदीदा बाजार है। वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी ने भारत के बाजारों को ओवरवेट रेटिंग देते हुए कहा है कि भारत लंबी अवधि तक जारी रहने वाली तेजी के शुरुआत के करीब है और भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। फर्म ने चीन के शेयर बाजारों पर अपनी रेटिंग में कमी की है। मॉर्गन स्टैनली ने अपने विश्लेषण में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संकेतक मजबूती प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था 6.2% सकल घरेलू उत्पाद GDP हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशकों ने विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत के सभी क्षेत्रों में तेज गति से विकास की सराहना की है। 95 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व बैंक समूह के 11 कार्यकारी निदेशकों ने कल भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि कार्यकारी निदेशकों ने 2047 तक भारत के विकसित बनने की महत्वाकांक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सक्षम सभी क्षेत्रों में तेज गति से विकास की सराहना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। ये विधेयक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियम बनाने का अधिकार देता है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया
अनुच्छेद 239(a)(3)(b) के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को सदन में उनके दुर्व्यवहार के लिए मौजूदा मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हो गया। विधेयक प्रस्तुत करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की पंजीकरण प्रक्रिया सरल बनाना है। पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित 60 दिन की अवधि में पूरी हो जाएगी। औषधि संशोधन विधेयक 2023 कल लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य 1948 के औषधि अधिनियम में संशोधन लाना है। विधेयक में जम्मू कश्मीर औषधि अधिनियम 2021 के तहत पंजीकृत या योग्य व्यक्तियों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। राज्यसभा ने अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पेश किया। नया विधेयक देश के समुद्री क्षेत्र में खनन को नियंत्रित करेगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक भी कल लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक के अनुसार कोई व्यक्ति कुछ वैध उपयोगों के लिए किसी के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर और कानूनी उद्देश्य से संसाधित कर सकता है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना मिलने पर बोर्ड मामले की जांच करेगा और जुर्माना लगाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 आज संसद में पेश किया जाएगा। इसके अलावा अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी। संसद के दोनों सदनों में निजी सदस्य विधेयकों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से आने वाले एनडीए सांसदों के साथ भेंट की। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से ये बैठकें की जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य द्वारा संचालित होने वाले सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को निशुल्क चिकित्सा सेवा तथा उपचार देने का निर्णय किया है। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने इसकी घोषणा की और राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को कल स्वीकृति प्रदान कर दी। मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में दबाव के कारण मध्य प्रदेश में और अधिक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए अत्यधिक वर्षा की आशंका के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है। अगले 5 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जैनामणि ने बताया कि मुख्य रूप से ऑरेंज अलर्ट मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए है। मेनली हमारा जो ऑरेंज कलर अलर्ट है मध्य प्रदेश के लिए है और उसी के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए भी है। अभी जो कल जो डिप्रेशन था वो कल वीक हुआ था शाम को और आज ये विलमार्क लो प्रेशर एरिया जो पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर है और उसकी कारण से ये सब जगह में जो मेनली उत्तर मध्य प्रदेश और उसी के आसपास जो दक्षिण उत्तर प्रदेश है उसमें हमारा हैबिटेट एरिया भी आइसोलेटेड एरिया भी रहने वाला। तेलंगाना में वर्षा से संबंधित घटनाओं में 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार के एक उच्च स्तरीय दल ने राज्य में वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद कल शाम हैदराबाद में राज्य की मुख्य सचिव ए शांति कुमारी से मुलाकात की। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए 1100 श्रद्धालुओं का 33वां जत्था आज सुबह बालतल और पहलगाम आधार शिविर से रवाना हुआ। 62 दिन चलने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी और 31 अगस्त को
संपन्न होगी। केरल में मालाबार नदी महोत्सव का नौवां संस्करण आज सुबह कोझिकोड के तुषारागिरी में शुरू हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम इरुवांझीपुझा और चालीपुझा नदियों पर आयोजित किया जाएगा। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कजाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका सहित 10 देशों के पैडलर इसमें भाग ले रहे हैं। सरकार ने कहा है कि वह नाइजर के घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है और वहां रह रहे करीब 250 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि नाइजर की राजधानी नियामी में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। सातवीं पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने अपने शुरुआती मैच में चीन को 7-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत बेहतर गोल अंतर के आधार पर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का अगला मुकाबला आज जापान से होगा। सिडनी में ऑस्ट्रियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज एचएस प्रणॉय, किदंबी श्रीकांत और पीवी सिंधु अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय का सामना विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी एंथनी सिनिसुका से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का सामना अमेरिका की बिवेन झांग से होगा। इस बीच मिथुन मंजुनाथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। उन्हें अंतिम 16 के मैच में मलेशिया के ली जी जिया ने पराजित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। संसद के कामकाज पर आज सभी अखबारों की नजर है। लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा पर अमर उजाला ने लिखा है, वार पलटवार के बीच विधेयक पर लोकसभा की मोहर। जनसत्ता ने लिखा है, व्यापक चर्चा के बाद गृहमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए बिल का विरोध कर रहे हैं केजरीवाल। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 घंटे चली चर्चा के बाद लोकसभा ने पारित किया, अब राज्यसभा में सोमवार को पेश हो सकता है विधेयक। जनसत्ता, हिंदुस्तान और अमर उजाला की सुर्खी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व विभाग को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दी। राष्ट्रीय सहारा ने सर्वेक्षण के लिए सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी तैयारियां पूरी होने को अहमियत दी है। दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर और देशबंधु ने हरियाणा में शांति बहाली के प्रयासों की चर्चा की है। नवभारत टाइम्स लिखता है, सुरक्षा बल मुस्तैद, हालात कुछ बेहतर हुए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 30 अगस्त से आगे 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिए जाने को भी कुछ अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। नवभारत टाइम्स मुख्य पृष्ठ पर लिखता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भारत से बातचीत की पेशकश पर सरकार ने कहा, संबंध बहाली के लिए ऐसे माहौल की जरूरत है जिसमें आतंकवाद और शत्रुता न हो। हरिभूमि ने इसे भारत की दो टूक बताया है। हिंदुस्तान की खबर है, मॉर्गन स्टेनली के विशेषज्ञों ने भारत में विकास और लचीली अर्थव्यवस्था को देखते हुए ताजा रैंकिंग में चीन से ऊपर रखा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान इस साल दूसरी बार 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुलेगा। इससे पहले 29 जनवरी से 31 मार्च तक इसे खोला गया था। ये 16 अगस्त से सोमवार को छोड़कर बाकी दिन देखा जा सकता है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, डाक विभाग पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह तिरंगे की बिक्री होगी। पिछले वर्ष देशभक्ति की भावना दिखाते हुए 6 करोड़ लोगों ने वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ टेलीफोन पर बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने भारतीय बाजार को ओवरवेट श्रेणी में रखा, चीन की रेटिंग हटाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। दिल्ली में भी येलो अलर्ट जारी। पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने चेन्नई में अपने शुरुआती मैच में चीन को 7-2 से पराजित किया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और पीवी सिंधु आज सिडनी में अपने सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का